करोंदा करोंदा एक झाड़ी नुमा पौधा होता है इसका वैज्ञानिक नाम कैरिसा कैरेंस करिस कैरेंडस है करोंदा के फलों का उपयोग सब्जी और अचार बनाने में किया जाता है यह पौधा भारत में राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात उत्तर प्रदेश और हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है यह नेपाल और अफगानिस्तान में भी पाया जाता है यह पौधा बीज से अगस्त या सितंबर में एक दशमलव पांच मीटर की दूरी पर लगाया जाता है कटिंग या बडिंग से भी लगाया जा सकता है दो वर्ष के पौधे में फलाने लगते हैं फूल आना मार्च के महीने में शुरू होता है और जुलाई से सितंबर के बीच फल पक जाता है करौंदे का पेड़ पहाड़ी देशों में ज्यादा होते हैं कांटे भी होते हैं करौंदे का पौधा एक झाड़ की तरह होता है इसकी ऊंचाई छह से सात फीट तक होती है पत्तों के पास कांटे होते हैं जो मजबूत होते हैं इसके फूलों की गंध जूही के समान होते हैं इसके फल गोल छोटे और हरे रंग के होते हैं पकने पर यह काले रंग के होते हैं करोंदा के कच्चे फल सफेद व लालिमा सहित अंडाकार दूसरे बैंगनी व लाल रंग के होते हैं देखने में सुंदर तथा कच्चे फल को काटने पर दूध निकलता है पक जाने पर फल का रंग काला हो जाता है इसके अंदर चार बीज निकलते हैं पके हुए करौंदे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं करौंदे का आचार भी बहुत अच्छा होता है इसकी लकड़ी जलाने के काम आती है एक विलायती करौंदा भी होता है जो भारतीय बगीचों में पाया जाता है इसका फल थोड़ा बड़ा होता है और देखने में सुंदर भी इस पर कुछ सुर्खी सी होती है इसी को आचार और चटनी के काम में ज्यादा लिया जाता है भारत के कुछ गांव में इसकी सब्जी बनाकर भी खाई जाती है करोंदा भूख बढ़ाता है और पित्त को शांत करता है प्यास को रोकता है दस्तों को बंद करता है खासकर पैतिक दस्तों के लिए तो अत्यंत ही लाभदायक चीज है कच्चे करोंदा भूख को बढ़ाते हैं भारी होते हैं मल को रोकते हैं और रुचि को उत्पन्न करते हैं और पके हुए हल्के रक्त रक्तपित त्रिदोष और विष तथा वात विनाशक है